गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आयुष, कैसे हो? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? तो अच्छा हूँ, तुम बताओ। सर जर्नी आप कर कर आया सर। हाँ, देना सिलेक्ट लर्न एप्लीकेशन यू वांट टू शेयर एडवांस्ड। अरे ये क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड शेयर करते थे हम लोग, कैसे करते थे? अच्छा, पोर्शन ऑफ स्क्रीन, म्यूजिक वीडियो, ओके चलो कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, पता नहीं कुछ छोटा सा इशू है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं शायद ये जूम में कुछ अपडेट आया है और मुझे सारी एप्लीकेशंस दिखाई नहीं दे रही जो यूजुअली दिखाई देती है ना। आई'ल चेक दिस आउट। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग नॉर्मल शेयरिंग से ही देख लेते हैं। सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था। परफेक्ट, लास्ट क्लास तक अगर आप लोगों को याद है
तो हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी किया था। सर, स्टेबिलिटी रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ So, मैंने आपको बताया था कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। परफेक्ट। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है क्या? दोनों बातें याद है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने बताया था और मैंने आपको बताया था कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। बेसिक स्ट्रेंथ पर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या असर पड़ेगा? पहली बात, किसी भी कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ देखते कैसे हैं? हाउ टू चेक बेसिक स्ट्रेंथ, कोई बता सकता है कैसे देखेंगे? जिसमें भी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो वो ज्यादा बेसिक होगा। जिसमें भी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ को चेक कैसे करेंगे? OH माइनस आयंस की डिसोसिएशन। नहीं, कोई भी ग्रुप गिवन है तो आप चेक कैसे करोगे बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? कॉन्जुगेट जैसे मैं एसिड आपको एक का सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, NH3H2O और क्या लोगे, एच एफ और ले लो आप, या एच एफ लेने की बजाय इन दोनों में ही कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा? दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी और कैसे होगी? सर इसमें NH3 में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, तो H2O ज़्यादा एसिडिक हो इसका मतलब NH3 ज़्यादा बेसिक हो। क्या बोले एक बार ध्यान से, फिर दोबारा बोलोगे? सर एसिडिटी तब इंक्रीज होता है जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्टेड हो हाइड्रोजन से, तो ओके, इसमें एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ H2O तब सर इंक्रीज H होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से अटैच। हाँ तो इसमें H2O ज़्यादा एसिडिक हो, तो इसका मतलब NH3 ज्यादा बेस। चलो तुम्हारी बात ठीक है, सर नेक्स्ट पे आते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक, अरे रुको यार, 1 मिनट रुक जाओ। इसको ऐसे करने बजाय इसी चीज को मैं थोड़ा और बारीक करा देता हूँ। NH3PH3, अब बताइए भाई इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक?
बताओ। सर इसमें मेरे ख्याल से NH3 का मोर बेसिक होगा। अब ये तो उल्टी बात हो गई, इन्होंने बोला कि बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होना चाहिए, लेकिन अभी आपने बोला कि NH3 का ज्यादा होगा, ये कैसे होगा? सर अब मैं वो कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं सर, सही बात है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की जो होती है वो होती है 3, जबकि फास्फोरस की होती है 2.1। तो आपके अकॉर्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ NH3 का कम होना चाहिए एज कंपेयर टू PH3। एनएसटी में एक लोन पे आ गया तो तो PH3 में भी लोन पेयर है भाई, सेम ग्रुप के हैं, लोन पेयर तो दोनों जगह एग्जिस्ट करेगा। कुछ गलत बात है? सेम ग्रुप के हैं ये दोनों, तो लोन पेयर तो दोनों जगह है। फिर बताइए ये NH3 का ज्यादा क्यों हो गया? छह लोगों ने ही ज्वाइन किया है। सर मैं कुछ बोलूं सर? बोलो। इसमें पहली बात तो हम कॉन्जुगेट बेस से चेक करेंगे ना, जैसा आपने पहले से सिखाया था। हाँ, कॉन्जुगेट बेस से क्या चेक करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ जी सर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही प्रोपोर्शनल होगा, है ना? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या था बताइए, क्या बोला आयुष? सर जो स्ट्रेंथ होती है एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ वो अगर स्ट्रॉन्ग है हाँ तो उसका कॉन्जुगेट बेस उसी प्रोपोर्शनैलिटी पे उतना ही वीक हो जाएगा, है ना? अच्छा, तो यहां पर आपका कहने का मतलब है कॉन्जुगेट बेस किसका स्ट्रोंग है? कहने का क्या मतलब था यहां पर, ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, क्या बोला तुमने? सर आपने पहले कुछ कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, उसमें आपने वो बोला था कि अगर एसिड पहले हम सॉल्यूशन की एसिडिटी चेक करते हैं, राइट? हाँ तो जितनी एसिडिटी आयुष, हो सब भूल जाओ, एक ड्रैगो रूल नाम की चीज बताई थी। सर, पी का बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है। नहीं, मैंने एक ड्रैगो रूल नाम की चीज बताई थी, वो बताइए, जिसने सुना हो, जिसको पता हो, सर बताओ। हाँ श्रेया, अरे बड़ा लेट ज्वाइन किए, मैं तो सोचा डाउट कराऊंगा। 8:45 से नहीं था क्लास? अरे आज फ्राइडे है, सॉरी, अरे मुझे ध्यान ही नहीं रहा। इसलिए अभी अभी मैं खाया, मैं बाहर थी तो मैं देखी कि क्लास टाइम हो हाँ सही चुका है। बात है तुम्हारी, 8:45 से क्लास थी क्लास। मैं भी वही सोच रहा था सर, मैं अभी ज्वाइन किया। हाँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, सॉरी। तभी मैंने सोचा कि इतने कम लोग कैसे ज्वाइन किए, और मुझे भी ध्यान नहीं रहा क्योंकि मैं बाहर से आया था आज, तो उतना माइंड चल नहीं रहा था और ध्यान नहीं दिया। तब तक हम लोग डाउट्स करा दें। और सर ये जो करा है खैर ये जो मेरा चल मोबाइल रहा में है ये भी सुना था। केमिकल बॉन्डिंग का ही है, डाउट ही समझ लो, जो अभी मैं टॉपिक बता रहा हूँ PH3 और NH3 वाला, ये भी केमिकल बॉन्डिंग से ही है।
तो ये देखिए, NH3 और PH3 में बेसिक स्ट्रेंथ NH3 का ज्यादा होता है PH3 से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर ड्रैगो रूल नाम की चीज लगती है। श्रेया, ड्रैगो रूल क्या था? तो वो ड्रैगन रूल था ना कि जिसमें मतलब फर्स्ट वाला ज्यादा उसका एंगल होता है एज कम्पेयर टू बाकी, मतलब बॉन्ड एंगल से रिलेटेड था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप से रिलेटेड था। सर मेरे ख्याल से हाइब्रिडाइजेशन से नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, आयुष ने सही याद किया, हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड था। क्या था आयुष? सर हम मेरे ख्याल से सर हम उसको इग्नोर करते थे, राइट? यस, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। नहीं प्रणव, सॉरी नहीं अर्णव, बिल्कुल गलत है। रीजन मैं बता रहा हूं आपको, आप देखिए साथ साथ। यहां पर हुआ क्या है, यहां पर ये हुआ है कि आपके पास फॉस्फोरस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती इन केस ऑफ PH3। इन केस ऑफ PH3 देर आर थ्री प्योर पी ऑर्बिटल्स। एंड लोन पेयर रिसाइड्स इन प्योर एस ऑर्बिटल। जो लोन पेयर है वो आपका प्योर एस ऑर्बिटल के अंदर रहेगा, जबकि जो बॉन्ड बने हैं फॉस्फोरस के साथ तीन हाइड्रोजन के, वो कैसे हैं? प्योर पी ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे। ठीक है, इस बात में कोई डाउट? ये क्यों होता है? ड्रैगो रूल अगर किसी को याद है तो कंडीशन बताएगा कोई? क्या होता है ड्रैगो रूल, क्यों होता है, इसकी कंडीशन कोई बताएगा? पढ़ाया था मैंने केमिकल बॉन्डिंग में। जो मैंने बोला वो गलत क्यों है? मैंने हाँ श्रेया, तुमने क्या बोला था वो बोल दो, दोबारा से रिपीट कर दो एक बार। जो बोला था कि मतलब कि वो जो फर्स्ट जो एंगल होता है, वो जो जैसे एलिमेंट के साथ किसी भी एक एलिमेंट के साथ कोई कंबाइन होता है, तो हाँ जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो होता है उसका बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होता है। जैसे कि एक का 90 था, 90 डिग्री, बाकी सबका 105 या 1090 अराउंड था, हाँ तो वो रिपल्शन की वजह से होता है, बॉन्ड पे देखो रिपल्शन हो। देखो श्रेया, अगर तुम इसी जगह PF3 ले लेते तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता, शायद तुम्हें लॉजिक समझ गई होगी। हाँ, समझा। समझे? हाँ मैंने हाँ कंडीशंस बताई थी आपको ड्रैगो रूल की, कि ड्रैगो रूल कब अप्लाई होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज लेस देन और कंपेरेबल टू सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है ना यहाँ पर फोस्फोरस, उससे कम या उसके नियरली इक्वल अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है साइड एटम की, तो उस केस में ड्रैगो रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज ड्रैगो रूल अप्लाई नहीं होगा। ऐसा होता किस वजह से है, थोड़ा सा और डिटेल में जाए बता दूं? सर हां जी, इसमें लोन पेयर का कुछ फंडा नहीं होता? लोन पेयर का फंडा होता है, मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए। मैंने वही कंडीशंस वो लिखवाई बताए थी आयुष, अगर याद है तो, तीन चार। सर, स्पेसिफिकली याद तो नहीं है बट राउंड ऑफ हाँ, याद है सर। कौन सा लो? मतलब ऊपर ऊपर से है सर याद। याद है थोड़ा बहुत। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं। एक मिनट, यहां पर देखिए, यहां पर करेंगे क्या, अगर आप फॉस्फोरस का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या होगा? 3s2, 3p3 होना चाहिए। ठीक बात है? अब यस सर। अगर आप फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट देखें,
तो इसमें क्या होगा, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। सर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। हाँ जी सर। नहीं जंप क्यों करेगा आयुष? सर वो ग्राउंड स्टेट में वही वही करता है ना जंप, मतलब। हाँ जंप क्यों करेगा, यहाँ पे जंप करता नहीं है ना, हर जगह जंप थोड़ी करता है। जंप करने कोई मुझे लॉजिक बताओ तो मैं बता दूं कि जंप करता है। बताओ कोई लॉजिक क्यों जंप करना चाहिए। बोलो भैया आयुष। सर याद नहीं सर। जंप इस वजह से करता है, जितने बॉन्ड बनाने होते हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। यहां पर कितने बॉन्ड बनाने हैं आपको, तीन बॉन्ड बनाने हैं फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के, PH3। आपको तीन बॉन्ड बनाने हैं, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पहले से ही हैं। ये दिख रहे हैं तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो फिर जंप क्यों करेगा आयुष? सर मेरे ख्याल से वो एक्साइटेड स्टेट स्टेट में करता है। जंप नहीं करता आयुष, जंप करता है कार्बन के केस में। यहां पर जंप तब करता है जब इसको पांच बॉन्ड बनाने होते, पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते। रादर होता क्या है यहां पर आयुष, जो होना चाहिए था वो क्या था कि सारे ऑर्बिटल कंबाइन कर जाते और आपके पास नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें से एक में दो इलेक्ट्रॉन पूरे और बाकी तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बहुत डिटेल में जा रहा हूं मैं, इसको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका बोला जाता है। बट ये होगा किस वजह से, ये होगा इस वजह से ताकि हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट वैलिड हो जाए, सारे बॉन्ड इक्वल हो जाए, इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन इस केस में आयुष एज सच तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तीन बॉन्ड तो अपने बराबर हैं, तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं। Yes, बट अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता फॉस्फोरस के साथ कोई भी, तो वो जबरदस्ती करके चारों ऑर्बिटल को कंबाइन करा देता। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, जबरदस्ती कर देता है, उसकी पावर होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की। नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया, वो घर का हल्का सा शोर हो रहा है। ये घर पे शोर हो रहा है, रुको एक मिनट में दोबारा बोलता हूँ आयुष। यहां पर इन सब से ये कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यस सर। लेकिन दिक्कत क्या है आयुष, ये कॉम्बिनेशन बनने में कुछ एनर्जी का ज्यादा फायदा हो नहीं रहा। एनर्जी का क्यों ज्यादा फायदा नहीं हो रहा आयुष, अगर तुम देखोगे तो एस जो लोन पेयर है वो एस ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबल होगा या sp3 में ज्यादा स्टेबल होगा? यस सर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबल होगा या एस ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबल होगा, किस में बताइए? अर्नव बताएगा, अर्नव लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबल होगा या सिर्फ एस ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबल होगा? भाई कुछ तो बोलिए भावेश, तुम बताओ। एस में ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि एस ऑर्बिटल इज क्लोज टू द न्यूक्लियस, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के पास अगर आप इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा। एक्चुअली मैं दूसरे कमरे में था, मैं पानी लेने गया था, सॉरी। अर्नव पता चल जाता है गड़बड़। चलो कोई बात नहीं, तो ये वाली बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल के अंदर रहे तो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर रहे।
सर इसका रीजन वही होता है ना कि न्यूक्लियस के पास है तो उसको थोड़ा सेपरेट करने में दिक्कत आती है। होती है। बिल्कुल सही बात है। ओके न्यूक्लियस के पास है, अट्रैक्शन ज्यादा फील करेगा न्यूक्लियस का, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। यस सर। एज सच अगर हम देखने की कोशिश करें आयुष, तो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन रिलेटिवली स्टेबल लग रहा है एज कंपेयर टू नीचे वाले कॉम्बिनेशन से, क्योंकि नीचे वाले में लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, जबकि ऊपर वाले में जो लोन पेयर है वो प्योर एस ऑर्बिटल के अंदर है। ठीक बात है। सर दोनों में फर्क क्या है? sp3 और s और p सेपरेट फर्क क्या है? देखो आयुष, जिसमें सिर्फ एस और पी सेपरेट हैं, उसमें जो आपका लोन पेयर जिस ऑर्बिटल के अंदर है वो कौन सा होगा? सिर्फ एस वाला ऑर्बिटल होगा, ये एस ऑर्बिटल है, यस सर। और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये sp3 है। मतलब एस करेक्टर कितना हुआ? 25%, और पी करेक्टर कितना हुआ? 75%। अच्छा वो जब कंबाइन हो जाता है तो उसका इफेक्टिवनेस उतनी रिड्यूस हो जाती है। हाँ, तो ये न्यूक्लियस से एक टाइप से दूर हो गया, क्योंकि पी ऑर्बिटल में चला गया, 75% तो पी ऑर्बिटल आ गया, यस सर अंडरस्टूड। तो इस वजह से इसका स्टेबिलिटी घट जाएगा लोन पेयर का। ओके, यस अब सर। ये बात समझ में आया? अच्छा यहां पर नहीं आया? एक बार अर्नो बोल, बता दो क्या बात समझ में नहीं आई, और माइक को थोड़ा सा पास जैसा ला के बोलो, साउंड थोड़ा सा जैसा कम मैं कह आ रहा रहा हूँ कि है। समझ में आ गया था, पहले से बता था, गॉट इट, पहले से बता था, गॉट इट, समझ में आ गया। ओके, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पी कैरेक्टर 75% है, और जो यहां पर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन करे तो वो जबरदस्ती इस कॉन्फ़िगरेशन में ले जाएगा मॉलिक्यूल को। मतलब अगर फास्फोरस के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब कंबाइन करेंगे, PF3, PCl3 वगैरह बनेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साथ कंबाइन करेंगे फास्फोरस को, तो उस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, जबकि फास्फोरस के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले या फास्फोरस से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले किसी एटम के साथ कंबाइन करेंगे तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी ही नहीं, यहां पर प्योर एस अलग रहेगा, प्योर पी अलग रहेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल का मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। सो फास्फोरस के अंदर PH3 में लोन पेयर विल लिव इन एस ऑर्बिटल, जबकि NH3 में लोन पेयर विल लिव इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब कहां पर लोन पेयर ज्यादा स्टेबल होगा ये आप बताइए। सर एस ऑर्बिटल। तो ऐसे लोन पेयर को निकालना क्या आसान होगा आयुष, नहीं सर। जबकि NH3 का लोन पेयर है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, वहां से निकालना आसान होगा। यस सर। बेसिक स्ट्रेंथ इज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब बेसिक स्ट्रेंथ देखने का एक क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? बेसिक स्ट्रेंथ है, कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी है उसको क्या बोलेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ। बट सर हाँ जी, सर अगर हम टेंडेंसी वाइज देखें तो दोनों की टेंडेंसी तो सेम है। दोनों की सेम कैसे हुई? एक में से निकालेंगे तो sp3 ऑर्बिटल से निकल रहा है, दूसरे से निकालेंगे तो एस ऑर्बिटल से निकल रहा है, क्या दोनों की टेंडेंसी बराबर है? बट सर टेंडेंसी व्हाट आई मीन इज कि कितने बॉन्ड वो अल्टीमेटली बनाएगा राइट। नहीं, टेंडेंसी मतलब कितनी उसकी विश है, वो डोनेट कितना करना चाहता है, अच्छा ओके उसकी विश कितनी है कि कितना डोनेट कर दूं, चल कर देता हूं, ये का हाफ माइंड है, चल कर दूं ना करूं, कर दूं ना करूं, और एक बोलता है मैं डोनेट करना चाहता हूं, किसकी टेंडेंसी ज्यादा हुई? जो डोनेट करना चाहता है। सर। यस सर। तो यहां पर हो क्या रहा है, NH3 और PH3 में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी? PH3 की कम हो जाएगी, NH3 की ज्यादा हो जाएगी।
NH3 में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, जबकि ph3 में निकालेंगे s ऑर्बिटल से। ये कॉन्सेप्ट तो अगर समझ में आया हो तो लिख लो जल्दी से, मैं भी एक बार पानी ले आता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर ये सारा जो आप करा रहे हैं, हाँ जी, ये हमारी आज की क्लास का है डाउट का है? श्रेया सोचा था क्लास का, लेकिन अभी ये थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग पे चले गए। ये अभी अपनी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ना उसका। मैं इसके बाद क्लास में बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करूंगा, तो मैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा था कि होता क्या है। ओके, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक, हाँ है ना, ये NH3 और PH3 वाला डाउट पहले भी हुआ है ड्रैगो रूल में। यस सर, यस सर, यस, ठीक है। हाँ तो खैर आप इसको एक बार कॉपी कीजिए जिसको भी डाउट था, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ डाउट श्रेया के लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है। चलिए, हाँ श्रेय आपके कुछ डाउट्स थे वो मैं ले लेता हूँ जल्दी जल्दी। सर 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 उससे पहले एक इसी में हाँ सर, आयुष बोलो। आपने यही बोला ना कि पी से जो भी ऊपर एलिमेंट कंबाइन करेंगे उसमें हाँ sp3 कंबाइंड आएगा, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से ज्यादा हो, अगर फॉस्फोरस के लिए चेक कर रहे हैं तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, कंपेरेबल भी होगा, अगर कंपेरेबल मतलब नियरली अराउंड है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ओके अंडरस्टूड, ठीक है, बाकी लोग बताएं, ठीक है उनका। हाँ श्रेया आपने कुछ डाउट्स मुझे भेजे थे, पहला द बॉन्ड लेंथ इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, द हायर द बॉन्ड ऑर्डर द स्ट्रॉन्गेस्ट द पुल बिटवीन टू एटम एंड शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, देयरफॉर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ट्रिपल बॉन्ड इज लेस देन डबल बॉन्ड इज लेस देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? सर अगले फोटो में जो फिट्ची का पैकेज जगले वाला,
उसमें उल्टा लिखा हुआ है। श्रेया वहां पर ना सिंबल गलत दिखा दिया है, आगे देखो डिक्रीजिंग बोन लेंथ है, जबकि हो क्या रहा है, डिक्रीजिंग बोन लेंथ लिखा हुआ है, तो गलत लिखा हुआ है श्रेया ये तो। भाई तो सही जो कौन सा है इसमें, सही पहला वाला है ना, हाँ गूगल वाला है। ठीक है सर। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। यस फिर आपने बोला एक इक्वेशन बैलेंस करनी है, MnO4 माइनस प्लस H2S गिव्स Mn2 प्लस प्लस क्या दिया SO3। सल्फर किस ऑक्सीडेशन से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है श्रेया, -2 से +6 में, चेंज कितने का है 8 का। मैग्नीज कितने से कितने में जा रहा है, +7 से +2 में, चेंज कितने का 5 का। तो मैं क्या करूं, इसके आगे 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसके आगे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या हो जाएगा 8, एक सेकेंड देना, 8 MnO4 माइनस प्लस 5H2S गिव्स 8 Mn2 प्लस प्लस 5SO3। ठीक है क्या श्रेया अब तक, मैग्नीज बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन बैलेंस करें। इस साइड मुझे कितनी ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, 15, जबकि इस साइड 24 ऑक्सीजन मुझे दिखाई दे रही है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ श्रेया, मैं इस तरफ क्या लगा देता हूँ, कितने H2O 15 मतलब मींस 9H2O जोड़ देता हूँ इस तरफ में। ठीक है क्या श्रेया, श्रेया ये बात समझ में आई। हेलो श्रेया, सर हाँ श्रेया बोलो सर, इसको हम ऐसे हाफ आई मेथड से कर रहे थे, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था। हाफ आई मेथड से बता दो, और 17H2O आ रहा था कुछ तो नंबर, 17H2O 17H2O हाँ, आपने H+ बैलेंस किया था ना, नहीं मैंने H+ अभी बैलेंस नहीं किया, मैं करने जा रहा था। यहाँ पर 10H+ दिखाई दे रहा है आपको श्रेया, इस तरफ हाँ, कितना दिखाई दे रहा है 18, तो मैं इस तरफ क्या लगा देता हूँ, कितने H+ जोड़ दूँ, 8H+ हाँ, हो गया तो 17H2 दिया था आंसर में। हाँ 17H2O 8 4 24 MnO4 plus H2S gives Mn2 plus plus, एक बार भेजोगे श्रेया तभी बता सकता हूँ कहाँ पर क्या है। नहीं ये जो है ना, आज हमारा रिवीजन किट में कराया था सर ने, तो यही क्वेश्चन दिया था, तो सर ने इसका आंसर बोला ये, और बच्चों ने हाँ हाँ बोला यस सर यही मैच किया, पर मेरा मैच ही नहीं किया। रुको 8 फोर जा सॉरी, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 8 फोर जा इस साइड में 32 आना चाहिए, इस साइड में 15 है। ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरफ कितना है 15 है, इस साइड 32 है, कितने का गैप पड़ा 17 का, सही है। ठीक है श्रेया ये 17 ही आएगा, ठीक बोल रहे हैं। और सर इवन सर ने एक और कुछ तो किया था, 17 ये 32 हुआ, तो इस तरफ कितना बैलेंस होना चाहिए, 10 निकल गया, 22 बच जाए, 22H+। हाँ और बताओ ये बात समझ में आई सर, एक मिनट देखो एक बार, मैं उसको 24 अज्यूम कर रहा था, वो 32 है। सर तो बेसिकली पहले इसमें हमने देखा कि सल्फर का कितना है चेंज, हाँ पहले नहीं, पहले हम लोग क्या चेक किए कि इलेक्ट्रॉन कितने कितने डिस्प्लेस हुए हैं, इस साइड 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके चेंज हुए हैं, क्योंकि सल्फर -2 से +6 में गया,
तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो 8 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, और उस और साइड मैग्नीज +7 से +2 में गया, सर 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, पहले अदर एटम्स को बैलेंस करेंगे। तो पहले मैंने मैग्नीज को बैलेंस किया, इस साइड 8 था तो इस साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सल्फर के आगे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने लगा तो इस तरफ 32 था, इस तरफ आया 15, तो 17 का गैप है। ओके सर, उसके बाद हाइड्रोजन का, उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन का। सर इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होता है क्या? हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हुआ है क्योंकि एक जगह 34 है और एक जगह 32 है। 34 32 है क्या? रुको एक मिनट, 17 2 34, तो 24 होना चाहिए। ठीक है, अभी हो गया। यस सर, यही था। सो हाँ जी सर, इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर होता है क्या कि हमें पहले? हाँ, पर्टिकुलर ऑर्डर ये है, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम हैं सबको बैलेंस करो, उसके बाद ऑक्सीजन और लास्ट में हाइड्रोजन। सर उसके अलावा मतलब लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हटा दे और जो हमारे मेन एलिमेंट्स है उसी में कुछ ऑर्डर है क्या कि पहले? नहीं, उनमें ऑर्डर नहीं है, उनमें ऑर्डर नहीं है आयुष, उनमें ऑर्डर नहीं है। नहीं। ओके सर। हाँ श्रेया, ये हुआ। यस सर, नेक्स्ट पे आए। सर बी एंड सी आर सेम नंबरिंग, इसमें क्या है? सर बी एंड सी ऑर्डर, बट व्हाई आंसर इज डिफरेंट वन आर अदर एस। हाँ सर, वो मेरे को समझा, देखिए दोनों का आंसर अलग अलग है क्योंकि नंबरिंग तो सेम है, तो सेम साइड का आर और एस कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना। नंबरिंग आपने पहले वाले में ऑर्डर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी? सी ऑप्शन देखो, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी श्रेया? सर एक मिनट, मैं निकाल रही हूँ। हाँ निकालो। सर क्वेश्चन क्या है? आयुष उसने मुझे ना कुछ स्ट्रक्चर भेजे हैं, ये स्ट्रक्चर दे रखा है, तो उसमें मैं पूछ रहा हूँ प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या क्या है। OH CH2OH और इस साइड CHO और इस साइड हाइड्रोजन, यहाँ पर प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ। यहाँ पर आपका प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या क्या है? सर मैं बताऊँ? हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ आइए। सर पहले तो मेरे ख्याल से CH2OH का होगा। सबसे पहले CH2OH? यस, सबसे पहले CH2OH क्यों नहीं होगा? होगा क्या श्रेया? CH2OH हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, सब वही तो होना चाहिए ना, मास सबसे ज्यादा उसी का है। हाँ फिर तुम मास पे आ गए, मैंने तुम्हें इतना समझाया कि सर इसमें OH है, मैंने तुम्हें इतना समझाया कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है और तुम मास पे आ गए वापस से। नहीं श्रेया, कर गए ना मिस्टेक। जो हाईएस्ट होना चाहिए वो OH का होगा, फिर CHO का होना चाहिए, फिर CH2OH का होना चाहिए और फोर्थ हाइड्रोजन का होना चाहिए। तो सर मास किसमें कंसीडर करते थे? मास हम लोग सिंगल एटम का कंसीडर करते हैं कनेक्शन चेक करने के लिए। यहाँ पर पहला कनेक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। समझा। यहाँ पर पहला कनेक्शन किसके साथ? कार्बन के साथ। यहाँ भी कार्बन के साथ, तो इन तीनों में हायर प्रायोरिटी कौन सा, किसका मास ज्यादा? ऑक्सीजन का। भूल गए? अर्नव इस बात में कोई डाउट है? नो सर। चलिए
अब हम लोग क्लास शुरू करें वापस से। सर रिकॉर्ड आउट है कि पॉलिंग स्पिन ज्यादा एक्यूरेट है या फिर न्यूरिकन, क्योंकि अगर आपको आता है कि निकालने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो किससे निकालेंगे? नहीं निकालना श्रेया, कभी नहीं पूछा जाएगा, बार बार कह रहा हूँ, इनकी कैलकुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। कोई कराता भी है तो वो जबरदस्ती करा रहा है, कोई यूज नहीं है इस चीज का। सर क्या क्वेश्चन क्या था? फॉलिंग और मुलिकन स्केल में कंपैरिजन क्यों करें जब मुलिकन स्केल अपने सिलेबस में ही नहीं है, तो फिर हम लोग क्यों कंपैरिजन सीखें? लॉजिकल है क्या श्रेया? पॉलिंग का स्केल पहले आया था, मुलिकन का स्केल बाद में आया था, तो नेचुरली जो बाद में स्केल आता है वो यूजुअली थोड़ा बेटर होता है। सर दोनों है क्या? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने का तरीका होता है सर वही फॉर्मूला जो आपने उसमें बताया था, बस वही समझ सकते हो। अच्छा सर स्किप कर दो क्या? पोलिंग स्केल फर्स्ट प्रपोज हुआ था 1932 में, ओके, और मुलिकन स्केल आया था आई थिंक 19 नहीं, इसका डेट नहीं गिवन है, आई थिंक 1934 के आसपास है, मतलब 2 साल का गैप है। और इसका जो वैल्यू निकल के आता है मुलिकन स्केल वो होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद जो है वो सैंडरसन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है, वो और खतरनाक है, उसके बाद एलन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है, और फिर उसके बाद नहीं, ये इतने आए हैं, मतलब उसके बाद भी पोलिंग और मुलिकन के बाद भी 2 स्केल आ चुके हैं। श्रेया अगर पढ़ने जाओगे ना तो आपको इतनी डिटेल मिल जाएंगी कि आप पोलिंग और मुलिकन स्केल पे ही पूरा टाइम निकाल सकते हो 2 साल का। ये ठीक बात है क्या श्रेया? नहीं सर। नहीं बहुत सही बात है ना। जो मुलिकन स्केल है उसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल कहते हैं, और उसकी वैल्यूज थोड़ी सी टफ होती है याद करना। सर मैं इसलिए पूछ रही थी ना क्योंकि हमारा क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें था कि पॉलिंग स्केल जो है वो 2.8 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल स्केल ऐसे आया था। ये शायद उल्टा था, पॉलिंग स्केल इज 2.8 टाइम्स एप्रोक्सीमेटली ऑफ मॉलिक्यूल स्केल। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो उसमें था कि determine which scale is more accurate or which be considered as a base scale, मतलब किसको as a base scale लेंगे। ओके सर अब ऐसा कोई क्या करना है? किस में आया था सर? अभी एक common मतलब होता है ना FCAT type, AITS type, FCAT, AISQATS में नहीं, FCAT में, मतलब FCAT वाले में आया हुआ था। 15 days वाले में। 15 days FCAT तो Air Force वाला टेस्ट होता है? नहीं नहीं सर, फिजी का FCAT होता है। अरे FCAT कब से आने लग गया, मतलब कब से शुरू हुआ ये? पिछले 2 साल पहले तो नहीं था? हम लोग का स्टार्ट हो चुका था, स्टार्टिंग का वो तो रिवीजन फेज में भी सर ने हमें ये डाला, तो कुछ क्वेश्चंस उसमें FCAT से थे तो उन्होंने उसमें ये डाला हुआ था। ओके तो देखने जाए तो आपका जो पोलिंग और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल का जो रिलेशन है उसमें क्या होता है, मुलिकन स्केल इज सिंपली एवरेज ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जबकि पोलिंग स्केल में क्या कर रखा है
यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मान के हम लोग करते हैं, मतलब एक एटम को रेफरेंस ले लिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। सो पोलिंग स्केल में क्या होगा, इट्स अ रिलेटिव स्केल, और एब्सोल्यूट कौन सा है, मुलिगन स्केल है। अब बताओ कौन सा बेटर होगा, रिलेटिव या एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट ना। टेंडेंसी क्या होती है कि एब्सोल्यूट स्केल को थोड़ा सा बेटर माना जाता है मोस्ट ऑफ द पर्पजेस के लिए। पोलिंग स्केल सफिशिएंट है, इसको मेमोराइज करना इजी है, मेजर काम जो भी आपको करने हैं उनके लिए पोलिंग स्केल सफिशिएंट इनफ है। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो मुलिगन स्केल थोड़ा बेटर वैल्यूज देता है, दो उनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। याद करना मुश्किल है, आपके अकॉर्डिंग पोलिंग इजी हो जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट स्केल कौन सा है, मुलिगन स्केल है। This is not given in NCERT, no, मैं सेम बात कह रहा हूँ कि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। सर IIT का भी नहीं है, मतलब JEE का नहीं, आजकल सिलेबस से बाहर नहीं जाता। ये क्या है कि पुराने ढर्रे पे जो चल रहा है सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिजाइन कर देते हैं। पहले डिजाइन था तो इस टाइप का पूछा गया है किसी जमाने में, तो हम भी बता देते हैं। अच्छा सर, भावेश ये फिट जी का एग्जाम है, एफकैट, एयरफोर्स वाला नहीं है। एयर एक्चुअली श्रेया एफकैट एग्जाम जो होता है ना वो एयरफोर्स का एग्जाम होता है। सर हमारा 15 डेज वाले टेस्ट का एग्जाम रखा है। वही मैं सोचा कि एफकैट क्या हो गया, एयरफोर्स वाला एग्जाम श्रेया क्या करेगी। चलिए तो बेसिक स्ट्रेंथ पे हम लोग बात कर रहे थे। कितनी बात आपको समझ में आई थी बेसिक स्ट्रेंथ की? बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इस बात से हम लोग देखेंगे टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स क्या बताएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बताएगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इन दोनों में कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, दो कंपाउंड आपके सामने दिए कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? सही सेकंड वाला। तो सेकंड वाला होगा, सेकंड वाला ज्यादा बेसिक होगा। यस सर। कितने लोग बोल रहे हैं सेकंड वाला ज्यादा बेसिक होगा? प्रणव बोल रहा है, और अर्णव का क्या विचार है इस बारे में, अर्णव क्या सोचता है? दो प्रेस पार्टिसिपेंट्स ने हाथ रेज किया है, अभिषेक ने हाथ रेज किया है, अभिषेक और कौन है, पार्थ, और भी कोई है? चलिए अभिषेक और पार्थ बोल रहे हैं कि सेकंड वाला ज्यादा बेसिक होगा। मैं कहता हूं फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक होगा, क्यों?
मैं कहता हूं फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक होगा। क्यों? सर वही वाला रीजन तो नहीं जो आपने पहले बताया था? मैंने क्या कहा? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिक स्ट्रेंथ। तो पहले वाले कंपाउंड में जो आपके दोनों साइड से लगे हुए हैं ग्रुप्स, आर ग्रुप जो चेन लगी हुई है, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे नाइट्रोजन को वाया प्लस आई इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ज्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी आ जाएगी। सर समझा नहीं सर, एक बार रिपीट करेंगे। यहां पर अगर आप देखें तो जो दोनों कार्बन चेन्स हैं वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी वाया इंडक्टिव इफेक्ट। यस सर, सो अगर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नाइट्रोजन के पास, यस सर, सो डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। बट सर अगर वो जितना भी दे वो सेकेंड वाले की इक्विवेलेंट तो मेरे ख्याल से हो नहीं सकता, बिकॉज सेकेंड वाले में दो दो चार छ सिक्स वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन। है। हाँ हाँ आयुष, एक बात देखो आयुष, हेलो यस सर, एक बात बताओ, अंबानी के पास इतने पैसे अपने किस काम के? सर अंबानी के पास, मुकेश अंबानी के पास बहुत सारे पैसे हैं, अपने किस काम के? अंबानी किस काम के मतलब सर, समझा को तो नहीं। देगा नहीं, हाँ जी सर, है ना? लेकिन आपके पापा के पास जितने पैसे हैं बहुत कम उससे, लेकिन आपको फटाक से दे देंगे, तो यस सर, अपने किससे ज्यादा फायदा है? पापा पापा से, से। है हाँ ना? तो यहां पर ऑक्सीजन एटम है, इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी बिल्कुल खराब, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये चार्ज डोनेट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना नहीं चाहेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता है। अच्छा और ये क्या कर रहा है? नाइट्रोजन से भी थोड़ा बहुत खींच ले रहा है वाया इंडक्टिव इफेक्ट। जो नाइट्रोजन देना चाहता था उसके भी इसने खत्म कर दिया, कम कर दिया वाय माइनस आई इफेक्ट। ठीक बात है? अंडरस्टूड सर, ये अंडरस्टूड सर। जबकि इसमें क्या था, ये गरीब कार्बन चेन थी, लेकिन ये थोड़ा बहुत डोनेट ही कर रहा है नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन अब यहां से उसको हिम्मत बढ़ा रहा है कि तू डोनेट कर दे। लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे? ऑक्सीजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहे, पर अंबानी के पास भी बहुत सारा पैसा था, किसी काम का है क्या? नहीं सर, वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन फिर वो डोनेट नहीं करेगा एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करेगा जबकि उसकी टेंडेंसी नहीं है डोनेट करने की? सर, वो तो अपने H2O आप जो है वो भी फिर तो बेस की तरह काम नहीं करना चाहिए। तो नहीं करता। नाइट्रोजन NH3 कंपैरिजन में कहां अच्छा बेस होता है H2O? NH3 ज्यादा अच्छा बेस या H2O ज्यादा अच्छा बेस? H2O को तो हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं। NH3 होगा सर। सर ऑक्सीजन तो अपना आउटर मोस्ट शेल शेल जितना भर सके वही चाहेगा, राइट? ऑक्सीजन तो अपना आउटर मोस्ट शेल जितना, जितना मतलब अट्रैक्ट कर सकता है उतना अट्रैक्ट करेगा, राइट? नहीं, ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी है कि वो चार्ज को होल्ड कर सकता है, मतलब यहां पर क्या है कि जो लोन पेयर्स को होल्ड करके रखेगा, डोनेट करने की टेंडेंसी होगी कम। डोनेट करने की टेंडेंसी है सिर्फ नाइट्रोजन की, ज्यादा टेंडेंसी डोनेट करने की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम।
चाहे नाइट्रोजन पास थोड़े पैसे हो लेकिन डोनेट पहले कौन करेगा? नाइट्रोजन। ओके सर, है ना? यस सर। तो कंपैरिजन तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का होना था दोनों कंपाउंड्स में। अब इस वाले नाइट्रोजन से क्या किया, ऑक्सीजन ने थोड़ा सा और वापस ले लिया, तो ये वाला बेचारा डोनेट नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू दूसरे कंपाउंड के। कंपैरेटिवली पहले वाला ज्यादा इजीली डोनेट कर पाएगा। आया समझ में? यस सर। बाकी लोग बताइए, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये? भूपेंद्र, सर बोलिए, कोई बोल रहा था सर? तो बेसिकली हाँ आशा बोलो। क्या था सर वो लास्ट वाला स्टेटमेंट जो आपने बोला, वो एक बार फिर से बोल लीजिए। मैंने कहा कि नाइट्रोजन की डोनेट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। दो ऑक्सीजन पास दो लोन पेयर हैं, स्टिल ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये बनिया है डोनेट नहीं कर पाएगा। बनिए लोग जैसे डोनेट कम कर पाते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन डोनेट कम कर पाएगा इस केस में। ओके सर, है ना? पैसा बहुत है लेकिन डोनेट नहीं कर पाते। ओके, वैसा कुछ नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर देगा सर। और अगर मान लो ये दोनों क्वेश्चन, एक सेकंड, यस सर, हेलो, हाँ जी बोलिए सर। तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, अगर इधर भी ओ है हाँ, और इधर वाले ओ में पॉजिटिव चार्ज है, इधर वाले ओ में नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज डोनर का काम करता जबकि पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल डोनेट नहीं करता सर। तो इन दिस केस ये सिंबल उल्टा हो जाता, राइट? हाँ। ओके सर, सर और अगर नाइट्रोजन में प्लस है इधर और इधर माइनस है, तो माइनस वाला इजीली डोनेट करेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बस डोनेट करने वाले एटम तो नाइट्रोजन ही है। अच्छा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा इजीली डोनेट कर देगा। सर अब ऐसे ही स्ट्रक्चर है, इधर ओ है, मैं एग्जांपल दे दूं आयुष सर, एक सेकंड सर, ये मुझे यही कंफर्म करना है, ये ओ ओ है राइट? हाँ। इधर वाले नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, ओ में नेगेटिव चार्ज है, इधर वाले नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है और इधर वाले ओ में पॉजिटिव चार्ज है, तो सेकंड वाला ज्यादा हो जाएगा आयुष। अब ऐसा क्यों आयुष? ऐसा इस वजह से क्योंकि नाइट्रोजन पे जब आपने नेगेटिव चार्ज दिया तो वो ऑक्सीजन, अब डोनर साइड कौन सी होगी, इस साइड ऑक्सीजन होगी, इस साइड नाइट्रोजन होगी, ठीक है? तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है लेकिन नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है। यस सर। जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं करेगा। यस सर। तो इस वजह से नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर पाएगा। यस सर। तो इन दिस केस सेकंड वाला आला होगा ग्रेटर, ठीक है? समझ में आया आपको? यस सर। मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं? यस सर।
इसमें बताइए फर्स्ट वाला सर। वाला ज्यादा होगा। यस सर। फिर से वही आयुष, क्यों फर्स्ट वाला ज्यादा होगा? सर फर्स्ट में नाइट्रोजन के दो है, पहली बात तो वो डोनेट करेंगे। दो डोनेट करेंगे, फिर वही बात आ गई आपकी। सर सेम कंपाउंड है तो अगर हम ऐसा देखे कुछ कि देखो आराम से सोचो, पहले और दूसरे में कंपैरिजन करो तो समझ में आएगा। आयुष पहले और दूसरे में कंपैरिजन करो। उस सर वाले में ऑक्सीजन लगा हुआ था, यहाँ पे क्या है, दो नाइट्रोजन है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे वाया इंडक्टिव इफेक्ट। सर जो मेरी थिंकिंग है सर वो ये है कि ये वाला जो कार्बन होगा वो ये इस तरफ इसको दे देगा, और जो ये वाला कार्बन होगा वो इस तरफ इस नहीं आयुष, चेन में डोनेट होता है। ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इफेक्ट कैरी करेगा इस कार्बन तक, और यहां से भी थोड़ा सा विड्रॉ होगा इस नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन्स। यस और सेम चीज तुम उल्टी डायरेक्शन लगा तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन से विड्रॉ कर रहा है, ये वाला इस यहां तक कैरी करेगा इफेक्ट, और यहां से ये इस नाइट्रोजन से विड्रॉ कर रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे की जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उसे कम कर दे रहे हैं। ओह तो सेकंड वाला होगा। सेकंड वाला होगा। जस्ट बिकॉज सेकेंड वाले में इलेक्ट्रॉन्स मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन नाइट्रोजन को दोनों साइड से दे दोनों रहे हैं। साइड से डोनेट कर रहा है। ओके सर। ये बात आप लोगों को समझ में आई, बाकी लोग? आशय सर आएगी? आ गई या नहीं आई, बताओ, अच्छा कुछ सर, डाउट एक है? सर मुझे अभी तक थोड़ा सा ये नहीं समझ आया कि मतलब आयुष ने पहले वाला रीजन बोला तो वो मेरे को थोड़ा ज्यादा सही लग रहा था। सही लग रहा था कि दो नाइट्रोजन है दोनों डोनेट। यस सर, यस सर। आशय क्या होता है ना, दो इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, मतलब दो ऐसे बनिए साथ हैं कि एक डोनेट करना भी चाहे तो दूसरा उसको कहता है क्या डोनेट करेगा, तेरे पैसे का नुकसान हो जाए, तू इधर दे दे मुझे ही, और वो वाला डोनेट करने जाता है तो दूसरा वाला उसको मना कर देता है, दोनों आपस में एक दूसरे को मना कर देते हैं। ओके अब देखो जो दूसरा कंडीशन है उसमें क्या है कि एक बनिया है वो सोचता है कि मैं डोनेट कर दूं, पीछे से एक आदमी आ कहता है कर कर बहुत अच्छी बात है बहुत पुण्य होगा, तो किस में डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? दूसरे जैसे दूसरे वाले में तो वाला केस। तो यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन एटम थोड़ा सा उसको पीछे से आके बूस्ट दे रहा है कि भाई कर दे डोनेट, मैं तेरे को सप्लाई कर रहा हूं थोड़े से इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या है दोनों एक दूसरे से विड्रॉ कर रहे हैं, ये इससे विड्रॉ कर रहा है वो उससे विड्रॉ कर रहा है। सर, आया समझ में? यस सर, अभी समझ में। एक और केस देखिए, ये और अच्छा केस है। एक मिनट,
सर आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन क्या है? एक मिनट लिख रहा हूँ आयुष, अच्छा लिखने लग रहा है। इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। सर सेकंड वाला, सेकंड वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा। यस सर। बाकी लोग बताइए भाई। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ जी बताओ। सर अगर यस सर, इसमें सेकंड वाला ही होगा ऑफ कोर्स, मतलब आपने जो पहला वाला रीजन दिया था उसके बेसिस पे तो मुझे वही लग रहा है। हाँ जी होगा तो सेकंड वाला ही। आयुष का क्या डाउट है? आयुष बताओ। सर अगर ये एन के साथ एक चेन है आर, हाँ लेट अस से उस चेन में 7 कार्बन एटम है हाँ और एक चेन है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड आर के साथ, मान लो 20 है इधर हाँ और इधर एक और एन है, तो इसमें कौन सा होगा? आयुष इसमें ना R20 वाला होगा, क्यों सर? क्योंकि एक एक कार्बन करके ज्यादा कार्बन होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे नाइट्रोजन को, यस सर। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, यस सर। तो उतना उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। सर अब एग्जैक्टली सेम थिंग अगर हम इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करें, हाँ सर तो इसमें तो फिर साइन चेंज हो जाना चाहिए कैसे चेंज हो जाना चाहिए बताओ। सर बिकॉज, अच्छा नहीं, देखो हाँ नहीं बिकॉज मुझे लगा ये पूरी एक चेन है ना, समझ में आया? यस सर। तो साइन चेंज तो नहीं होगा। ओके सर। बाकी किसी कोई और डाउट हो तो बोलो। नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। मैं 3 कंपाउंड देता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है। 4 कंपाउंड देता हूँ, CH3-, NH2-, OH- एंड F-। इसमें बताइए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। सर पहला तो CH3 हो गया, हाँ जी फिर NH2 होगा, हाँ फिर NH2 होगा, हाँ फिर OH होगा और फिर F होगा। सही है, बिल्कुल आयुष का एकदम ठीक है। हाईएस्ट बेसिटी CH3 की, फिर NH2, फिर OH, फिर F। इसमें कितनों को डाउट है इस बात में? बता सकते हैं?
हाँ बताओ। देखो इसमें कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या कार्बन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की? कार्बन नो सर। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं करना चाहता, यस सर। जबकि उसके बाद देखोगे NH2 ऑक्सीजन और F में इनकी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की ज्यादा टेंडेंसी है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। यस अब जो एटम इलेक्ट्रॉन को होल्ड ही नहीं करना चाहता वो क्या करेगा, डोनेट कर दूं कैसे भी करके, है यस ना? और जैसे फ्लोरीन है वो तो होल्ड करना चाहता है तो वो क्यों डोनेट करेगा, मुश्किल से डोनेट करेगा, यस सही बात है? यस तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3 सबसे पहले, फिर NH2 क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से थोड़ा ज्यादा लेकिन ऑक्सीजन फ्लोरीन से कम, फिर आपका क्या आ जाएगा OH-, फिर क्या आ जाएगा F-। समझ में आया? यस बहुत बढ़िया, अगर समझ आया तो। सर। हाँ जी सर बट अगर अगर इसको हम ऐसे देखें कि फ्लोरीन में हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। अगेन आयुष अंबानी के पास बहुत पैसा है, क्या अपना कोई फायदा है? हाँ ओके ओके समझा ठीक सर समझा। जी, अरे देखो कॉन्जुगेट बेस से आप कर सकते थे, जो आप सॉरी कॉन्जुगेट एसिड से आप कर सकते थे, लेकिन बेटर है घुमा फिरा के जाने की बजाय सीधा कान पकड़े, सीधा इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं, अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है तो क्यों ना बेसिक स्ट्रेंथ से ही कोशिश की जाए एसिडिक स्ट्रेंथ पे जाने की बजाय, नहीं अर्नव? ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन को अप्रोच करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं और हो सकता है कि मोस्ट ऑफ देम सही हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो अप्रोच बताई वही आपको यूज करनी है। अगर आपको कोई अच्छी अप्रोच पता है और आपका सही है अप्रोच तो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है इजी पूछते हैं, इजी पूछते हैं, CH3 सॉरी CH, ट्रिपल बॉन्ड C-, C-C-H, यहाँ H2, CH3, CH2-, इन तीन कंपाउंड बताइए ज्यादा बेसिक कौन होगा? सर लास्ट वाला सेकंड वाला थर्ड वाला लास्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये कैसे बताया? सॉरी सॉरी 3-2-1 थ्री टू देन वन, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? थ्री है फिर टू फिर वन, बिल्कुल सही है आयुष, कैसे किया? सर। इसमें मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड से देखे मतलब अरे बहुत गलत है आयुष, बहुत गलत है, ये तो तुम्हारा तुक्का लग गया, गलत था आंसर। सर वो पहला था, दूसरा मेरा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड था। हाँ, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या फर्क होता है? सर सिंगल बॉन्ड में एटम्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना आसान होता है सर, क्यों? बिकॉज उसकी एक तो लेंथ हल्की सी इंक्रीज होती है, ओके, तो वो बॉन्ड इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम हो होती है। देखो आयुष, जो डोनेट करना है वो अलग ऑर्बिटल में है, जबकि जो डोनेट करना है वो लोन पेयर है, बेसिकली नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है लोन पेयर है,
तो डोनेट करना है लोन पे यार, सिंगल बॉन्ड का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो अलग ऑर्बिटल है जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है सर। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके पास एटम्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए। अगर आप डबल और ट्रिपल में बॉन्ड को उसको कंबाइन कर दोगे तो फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे कहाँ? नहीं वो अलग है, देखो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ आयुष, देख लो। सी ट्रिपल बॉन्ड सी का स्ट्रक्चर कैसे होता है? यहां पर एक लोन पेयर होगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसी कार्बन पर नेगेटिव दिखाया जाता है। डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसे होगा आयुष? और सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसे होगा आयुष? अब बताइए आयुष, तीनों स्ट्रक्चर मैंने बना दिए, अब ट्राई कीजिए। sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये परफेक्ट था आंसर। किसने बोला? भावेश। हाँ भाई भावेश, sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन वाइज अगर जाएं तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर काफी ज्यादा होता है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन वाइज देखें तो एक हाइब्रिडाइजेशन आएगी यहां पर sp, यहां पर आएगी sp2, जबकि यहां पर आएगी sp3। परफेक्ट। sp2 sp3, यहां पर s करेक्टर कितना? 50%, और 50% क्या है? p करेक्टर है। जबकि यहां पर s करेक्टर 33%, और ये कितना? 66%। यहां पर देखने जाए तो 25% s करेक्टर है, और p करेक्टर कितना? 75%। अब एक बात बताइए, p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है s ऑर्बिटल से? तो p करेक्टर जहां ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। यस समझा। हाइब्रिडाइजेशन से भी कर सकते हैं अर्नव, सही कह रहे हो। तो अर्नव ये बात समझ में आया? इस वजह से जो c ट्रिपल बॉन्ड c का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाता है, इसका ज्यादा टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का, क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, वहां पर s करेक्टर काफी ज्यादा है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला जो कार्बन होता है, c ट्रिपल बॉन्ड c वाला कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, पहले बताया गया है, c ट्रिपल बॉन्ड c वाला कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। इतना हुआ क्या आपका? अगर हो गया हो कॉपी तो बताइए। यस सर। चलिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, रेजोनेंस। बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर लिया, एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर लिया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, रेजोनेंस।
ये क्या होता है रेजोनेंस? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने थोड़ा डिस्कस किया था, द वर्ड इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद है क्या सबको केमिकल बॉन्डिंग में क्या डिस्कस किया था? सर इलेक्ट्रॉन्स था कि एटम्स था? इलेक्ट्रॉन्स आयुष, एटम्स तो हो ही नहीं सकता। चलिए इसको एक क्वेश्चन से शुरू शुरू करते हैं। CH3OH एंड CH3COOH कौन ज्यादा एसिडिक होगा? सर सेकंड। सेकंड क्यों? इसमें रेजोनेंस है। कैसे रेजोनेंस है? इसका वो कॉन्जुगेट बनाएंगे तो फिर वो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में होगा। चलिए देखते हैं, बताते हैं। सर इंडक्टिव इफेक्ट से अगर करेंगे तो COOH का इज ग्रेटर देन OH माइनस। हाँ तो उससे वी कैन से दैट कि जो उसका COOH का एसिडिटी ज्यादा होती है, मतलब CH3COOH का मोर है। बाकी कोई बताएगा? आयुष का तो गलत है। सर या हाइड्रोजन को हटा के भी चेक करा सकते हैं? हाइड्रोजन को हटा के चेक करते हैं, एसिडिटी का तरीका यही होता है। सर कॉन्जुगेट बेस बना के तो अगर हाइड्रोजन को हटेंगे तो पहला बन जाएगा CH3O- और दूसरा बन जाएगा CH3COO-। ओके फिर तो सर इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भाई बाकी को लोग भी तो बोलिए, दो ही लोग बोल रहे हैं अभी तो। कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। कॉन्जुगेट बेस क्या क्या बनेंगे? यहां पर कॉन्जुगेट बनेगा, बेस बनेगा CH3O-, यहां पर बनेगा CH3C(OO)-। अब बताएं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज? तो यहां नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन के अंदर होता है। अब ये डीलोकलाइजेशन क्या होता है, ये शायद कुछ केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया था, किसी को नहीं पता है तो पूछे, मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करता हूं। बताइए सर। याद नहीं सर। याद नहीं? आयुष को तो, आयुष ने तो कर दिया डिक्लेयर। एक्सचेंज हो होता है ना वो कुछ? हाँ जी आयुष, भाई बाकी लोग भी बोलिए।
यहाँ पर होता क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? देखिए ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, कौन मुझे समझाएगा? ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है? ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है, कौन समझाएगा? भाई कौन बता सकता है ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर, और तो इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है लाइट एंड वेव, सॉरी वेव एंड पार्टिकल, हां वेव एंड पार्टिकल नेचर, तो वेव नेचर को वो ऑर्बिटल डिस्क्राइब करता है, वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। भाई ये बात गलत है तुम्हारी अर्नव। ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, दो निकल के आता है वेव नेचर से ही, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन जो ऑर्बिटल है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी किस रीजन में है, एटम के अराउंड। ओके, अब जब प्रोबेबिलिटी की ही बात आ गई तो कहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहां पे कम, ये कैसे डिसाइड करें? अपने को कभी नहीं बता पाते हैं हम लोग ऑर्बिटल में कहां पर इलेक्ट्रॉन है, एग्जैक्टली ऑर्बिटल के अंदर कहां है ये नहीं बता पाते हैं, ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। याद है किसी को? यस सर। क्या था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? डेल्टा x into delta p greater than equal to h by 4 pi, डेल्टा h into delta p is greater than equal to h by 4 pi, ठीक है, इतनी भी बात मैं आपकी मान लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप देखने जाएं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी पोजीशन पे रहना नहीं चाहता। इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होती है कि जितना ज्यादा स्पेस मुझे घूमने को मिल सके उतना मेरा फायदा। ऑर्बिटल को बेसिकली आप एक क्लाउड मान सकते हैं। क्लाउड के अंदर क्या आप पानी को देख सकते हैं? क्या क्लाउड के अंदर वाटर विजिबल होता है आपको? नो सर। अब क्लाउड के अंदर अगर वाटर विजिबल नहीं है तो आप ये डिसाइड कैसे करते हैं क्लाउड के अंदर ही वाटर है? क्योंकि अपने वो पता है, अपन जो देखते हैं क्लाउड को वो यूजुअल टेंडेंसी से अपने पता है कि है इसी के अंदर। यही आपके साथ किस में होता है? ऑर्बिटल के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर है लेकिन कहां है ये नहीं पता। अब एक बात बताएं आयुष, दो क्लाउड पास पास आ जाते हैं क्या होता है? लाइटनिंग सर, डिस्चार्ज होता है, मतलब डिस्चार्ज होता है, या ऐसे कहें कि दोनों क्लाउड मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। सर हमेशा डिस्चार्ज तो नहीं होता, डिस्चार्ज तो कुछ ही केसेस में होता है। ओवरलैप हो जाते हैं लाइक, या मिक्स हो जाते हैं। बस 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 यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रेजोनेंस इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पाई ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअली मैं आज ना स्पेसिफिक उसको शेयर नहीं कर पा रहा। हाँ देखिए, ये रेजोनेंस के अंदर आपका ऐसे सारे पाई ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं, जो पी ऑर्बिटल पाई पाई बॉन्ड बनाने थे वो ऐसे मिक्स हो जाते हैं। और अच्छे से दिखाऊं तो कुछ ट्यूब शेप्ड बनते हैं, देखो ऐसे। सर पाई बॉन्ड और
सिग्मा बॉन्ड क्या थे सर, वो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उनमें। पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैप होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है आपका, साइड वाइज ओवरलैप होता है, और सिग्मा बॉन्ड लेटरल ओवरलैप होता है। मतलब सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है आयुष तो उसका मतलब होगा सिग्मा बॉन्ड। देखो अच्छा सिग्मा सर, बॉन्ड भी आपको दिखा देता हूँ, अब आपने पूछ ही लिया तो। देखिए इस टाइप की बॉन्डिंग को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, एस एस के बीच में, एस पी के बीच में, एस पी थ्री के बीच में, पी जेड के बीच में, पी जेड डी जेड के बीच में, डी जेड के बीच में, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच में। जो आपका ऐसा ओवरलैप होता है उसे क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सर तो जो बेसिकली हॉरिजॉन्टली ओवरलैपिंग होता है वो बिल्कुल होता बिल्कुल है, बिल्कुल, और और जो साइड वाइज वर्टिकल होता ओवरलैपिंग हो तो पाई बॉन्ड बन जाता है। देखो ऐसे है। अंडरस्टूड सर, वो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सर मुझे। देखो, ये वाला अभी दिख गया होगा। यस सर, बेंजीन में देखने जाएं तो आपके पास क्या होने चाहिए थे, तीन पाई ऑर्बिटल होने चाहिए थे, कुछ इस तरह से तीन पाई बॉन्ड बनने चाहिए थे, कुछ इस तरह से, दिखाई दे रहे हैं। यस सर, लेकिन होता क्या है, क्योंकि तीन पाई बॉन्ड बिल्कुल पास पास आ गए, एक क्लाउड यहाँ, एक क्लाउड यहाँ, एक क्लाउड यहाँ, तीन क्लाउड पास पास आ गए, तो क्या करते हैं, तीनों क्लाउड मर्ज हो जाते हैं और एक ट्यूब शेप में स्ट्रक्चर बना देते हैं। दिख रहा सर क्यूब है, ट्यूब 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 नहीं होती साइकिल की या टू फिर स्कूटर की ट्यूब। सर, समझ में नहीं आ रहा। टायर के अंदर ट्यूब नहीं होती है, यस सर, देखिए। हाँ टायर के अंदर कभी नहीं देखी सर। नहीं देखी टायर के अंदर ट्यूब, नहीं सर, मोटरसाइकिल के टायर के अंदर या गाड़ी के टायर के अंदर। अरे नहीं सर, टायर ट्यूब, ले भाई ये भी देख ले, इमेजेस, ये ऐसी होती है आयुष। अच्छा ओके सर। समझ गया, यस ये टायर है, इसके अंदर ये ट्यूब डलती है। ओके सर, तो वैसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ट्यूब शेप। समझे सर। तो वो कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं सर, वो नहीं मुझे समझ में आया। देखो पास पास तीन क्लाउड आ गए, क्या होगा, मर्ज हो जाएंगे आपस में। बट सर उसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हाँ है ना, तो वो मर्ज कैसे हो जाएंगे? सर भाई, इनके बीच में भी तो एक ही सिग्मा बॉन्ड था पाई बॉन्ड्स के बीच में, देख। सर, तो इस साइड क्या फर्क है, इसमें और इसमें फर्क क्या है, तू मुझे एक बात बता। किस साइड और किस साइड? एक मिनट मार्क कर देता हूँ, इस पार्ट में और इस पार्ट में, जहां बॉन्डिंग हुई और जहां बॉन्डिंग नहीं हुई, उन दोनों में फर्क क्या है। सर एक में डबल बॉन्ड है, एक में सिंगल बॉन्ड है। देखो दोबारा दिखाता हूँ, इसमें देखो, इसमें समझ में आएगा। एक बात बता आयुष, इन दोनों पार्ट में क्या फर्क है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड वाले में और ये जहां पर डबल बॉन्ड बना है वहां पर क्या फर्क है, इस रीजन में और इस वाले में क्या फर्क है। भाई सिग्मा बॉन्ड तो वही है, नहीं हाँ जी आयुष, सर, दोनों सर साइड एक ही सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड इस साइड क्यों बने, दूसरे साइड क्यों ना बने। समझा नहीं क्या? भाई सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन कार्बन बीच में यहां भी है और यहां भी है, यस सर, फिर पाई बॉन्ड यही क्यों बने, इस साइड क्यों ना बन जाए। बट सर वो फिर बेंजीन बेंजीन नहीं रहेगा ना, और प्लस कार्बन के पास सिर्फ चलिए फोर ही फिर आउटर बेंजीन मोस्ट की सर। बात आ गई तो फिर बेंजीन ही दिखाते हैं आपको। आयुष एक और बात बताओ, हाँ जी सर,
मेरे पास मैं क्लियर कैनवस कर देता हूँ, एक मिनट देना। दो बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से दिखाता हूं। एक ये वाला, और एक ये वाला, कौन सा सही है आयुष? सर दोनों ही सही है। ऐसे कैसे सही हो सकते हैं, गलत बात नहीं है। तुम तो अपनी बात से मुकर गए, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? सर उसको अगर ऐसे ट्विस्ट कर दो तो रिंग होती है सर। ऐसे ट्विस्ट कहाँ किया है? देखो मैंने लोकेशन चेंज कर दी, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की लोकेशन चेंज कर दी। इसमें अगर इसको फर्स्ट कार्बन माने तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब बता सर, तो फिर तो इसमें आपने वो तीनों बॉन्ड एक साथ चेंज किए है ना? हाँ तो क्या हुआ, चेंज कैसे कर सकता हूँ सर? बट वो वाला जो था, जो आप एग्जांपल दे दिखा रहे थे, उसमें तो आप बस वन ना, मैं तीनों ही चेंज कर रहा था। अब बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है? सर सेकंड वाला है मेरे ख्याल से। सेकंड वाला सही है, पहले वाला गलत है? सर आप कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज कर रहा हूँ। तू मुझे बता, आंसर दे फिर। बताओ भाई, आयुष ऐसा थोड़ी होता है। सर दोनों ही तो पॉसिबल है सर, कि किसी बुक में मैंने वो वाला देखा है, किसी बुक में मैंने दूसरा वाला देखा है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे कौन सा सही है, तब तक तुम सोचो। सर ऐसे मत करो सर, इसी क्लास में बता दो। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सर, मेरा दिमाग खा जाएगा ये टॉपिक सर फिर। सोचो सोचो, मजा आएगा तुम्हें। चले गुड नाइट एवरीवन। सर हाँ जी आयुष। सर अंदर सर्कल क्यों बनाते हैं फिर सर? फिर तो ये है, जाएंगे पहले तुम अपना सोचो फिर मुझे बताना, कल क्लास में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? सर ऐसे तंग मत करो। गुड नाइट आयुष। ठीक है सर, एक बार मैं ट्राई कर लूंगा अगर आप बोल। करो करो ट्राई करो, कल मिलते हैं हम लोग। ओके सर, ठीक है।